गुस्से वाली है, वेल डिसिप्लिन्ड है। और लोग कहते थे कि बिना पैसे दिए आप उनसे मुलाकात नहीं कर सकते, जय भीम भी नहीं कह सकते उनसे। और इस पार्टी में बहुत पैसा देना पड़ता है, और इस पार्टी में एक जाति विशेष, बहन जी के लिए कहा जाता था, एक जाति विशेष के लोगों की ये पार्टी है, उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें समाज में प्रचलित थी बहन जी को लेकर के, जिससे हमें लगता था कि हो सकता है इस पार्टी में भी शायद हमारे जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। जय भीम साथियों, मेरा नाम संदीप वाल्मीकि है, दिल्ली में सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से मैं विधायक हूँ और पूर्व मंत्री भी हूँ, 2 साल मंत्री रहा हूँ दिल्ली की सरकार में। जब हम लोग अन्ना की मूवमेंट से जुड़े तो हमें लगा एक राजनीतिक विकल्प पैदा हुआ है, आम आदमी पार्टी। लेकिन जब उस सरकार में मंत्री बने तो हमें पता चला कि जातिवाद नीचे मजदूर के साथ नहीं है, हमारे जो लोग सरकार में बैठे हैं या जो प्रशासन में लोग बैठे हैं उनको जो है ना लोग ऐसे लेते हैं जैसे मजदूर हों उसकी पार्टी में। तो वहाँ बड़ी घुटन महसूस होती थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही। हम जब मंत्री थे तो हमने बाबा साहब का जन्मदिन मनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट किया, और जब हम हट गए, मंत्री पद हमने छोड़ा, उसके बाद उस सरकार ने कभी बाबा साहब के नाम के बारे में कभी सोचा भी नहीं। हम लोग जब जब उसमें सरकार में बाबा साहब की बात हमने रखी, हमेशा वहाँ से निराशा महसूस हुई, और हमने फैसला लिया कि हम जो है सामाजिक आंदोलन में उतरने का काम करेंगे, मान्यवर साहब काशीराम के और बहन कुंवारी मायावती के। लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी था उस समय कि जब बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं तो एक आम विचारधारा निकल के आती है बहन जी के लिए कि बहन जी बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हैं, वेल डिसिप्लिन्ड हैं। और लोग कहते थे कि बिना पैसे दिए आप उनसे मुलाकात नहीं कर सकते, जय भीम भी नहीं कह सकते उनसे। और इस पार्टी में बहुत पैसा देना पड़ता है, और इस पार्टी में एक जाति विशेष, बहन जी के लिए कहा जाता था, एक जाति विशेष के लोगों की ये पार्टी है, उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें समाज में प्रचलित थी बहन जी को लेकर के, जिससे हमें लगता था कि हो सकता है इस पार्टी में भी शायद हमारे जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। तो जब मैं काफ़ी अफवाहें सुनता था समाज में तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ी कि किसी भी व्यक्ति के प्रति इतनी माउथ पब्लिसिटी नेगेटिव क्यों हो रही है, ये जानने की कोशिश की मैंने। और मैं तकरीबन जब राजस्थान में चुनाव हुआ वहाँ पर खूब मैंने बसपा के लिए प्रचार किया, पंजाब में चुनाव हुआ वहाँ प्रचार किया, दिल्ली में निगम पार्षद के चुनाव में हम लोगों ने प्रचार किया पार्टी का, और बहुत सारे लोगों से मैं मिला, बाम सेफ के लोगों से मिला, प्रभारियों से मिला, प्रदेश अध्यक्षों से मिला, हर किसी आदमी ने टालने की कोशिश की, बहन जी तक नहीं पहुंचने दिया। तो मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में एक शंका हुई कि ये लोग अगर बहन जी इतनी बुरी हैं जो लोग कहते हैं तो फिर ये लोग क्यों रुके हुए हैं, ये लोग क्यों टिके हुए हैं, ये फिर कोई भी नहीं होना चाहिए था। तो हमारी जिज्ञासा और बढ़ती गई, हमने फिर निश्चय बना लिया और संकल्प ले लिया कि अब तो बहन जी से मिलने के बाद ही निर्णय लेंगे जो भी करना है। और फिर कुछ उच्च पदाधिकारियों के द्वारा लखनऊ में बहन जी के निवास पे हम मिले, और जब बहन जी के वहां पर मिले तो जब बहन जी के सामने गए तो जब हमने बहन जी के पैर छुए तो जब उन्होंने सिर पे हाथ रखा तो ऐसा लगा कि किसी माँ बाप की तरह उन्होंने सहलाया, ऐसे करके यूँ सहलाया सिर को, और बहन जी कहने लगी और भाई कैसे हो, घर में सब ठीक है, काफ़ी बातें पूछी बहन जी ने। और फिर हमने बताया कि इस मनुवादी सरकार ने ऐसे ऐसे हमारे साथ षड्यंत्र भी किया। बहन जी ने कहा कि जो भी लोग समाज की बात करेंगे उनको तिरस्कार और ये चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी, इनके लिए तैयार रहना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। तो जब हम बहन जी से मिल के आए 40-45 मिनट बात हुई, लोग कहते थे ना कि भाई पैसे लेके मिलती है बहन जी, हमने सिंगल चाय का कप भी किसी को नहीं पिलाया, ठीक है जी, और पैसों की तो दूर की बात है। और जब हम बहन जी से मिले लोग कहते थे नीचे बिठाती हैं, ये सब गलत अफवाहें हैं, हम सामने सोफे पे बैठे थे, बहन जी सामने टेबल और कुर्सी पे बैठी हुई थी, है ना, बहन जी के साथ हमने चाय पी।
और बहन जी बिल्कुल साधारण कपड़ों में, बिल्कुल घर में जैसे एक पेरेंट्स रहते हैं वैसे बिल्कुल साधारण कपड़ों में हमारे सामने बैठी थी। और हमें सही में लगा कि अगर वाकई में इस समाज के लिए कोई जिंदा देवी है तो बहन कुंवारी मायावती जी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया समाज के लिए। और उस दिन बहुत सारी शंकाएं, क्या हमारा तो पूरा एक जो पहले का चैप्टर था वो खत्म ही हो गया और दूसरा चैप्टर दय शुरू हो गया। और बहन जी को उनके अंदर हम लोग मनोहर साहब काशीराम की पूरी प्रतिमा हमें नजर आई एक आंदोलन के रूप में। अगर कोई इस देश में लड़ रहा है इस बहुजन कमजोर दबे कुचले समाज के लिए तो ईमानदारी से बहन कुमारी मायावती जी लड़ रही हैं। और जब हम बहन जी से मिले लखनऊ में उनके आवास पे, तो मैं बहुत कुछ सोच के गया था कि ये बातें करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन जब बहन जी के सामने गए तो सारी चीजें, जब बहन जी ने सिर पर हाथ रखा तो सारी ऐसे चीजें गायब सी हो गई। और मैं क्योंकि गांव का आदमी हूँ और देसी सा आदमी, मुझे ज़्यादा भाषा और शब्दों का चयन नहीं आता, तो मैंने बहन जी से पूछ बैठा, मैं बहन जी लोग कहते हैं पार्टी के बारे में कि पार्टी एजिटेशन नहीं करती, धरने नहीं करती, प्रदर्शन नहीं करती। तो बहन जी ने पहले तो मुस्कुराई बहन जी, क्योंकि हो सकता शायद किसी ने ये बात ना पूछी हो डर के मारे। तो जब हमने बहन जी से पूछा एजिटेशन का, तो बहन जी ने कहा कि सिंधी भाई जैसे सहारनपुर वाला कांड हुआ है ना, बहुत इंटरनेशनल कांड था वो, और उसमें मैं समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ, जब बहन जी राज्यसभा सांसद थी तो बहन जी ने जब वहाँ पर बात नहीं सुनी गई तो बहन जी इकलौती ऐसी नेता बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जिन्होंने उस पद को लात मारी और सदन से उठ के बाहर आ गई बहन जी, है ना। और जब एजिटेशन की बात हमने की बहन जी से, तो बहन जी ने एक बात कही, और ज्यादा बड़ा ताजा उदाहरण है आपके पास 21 तारीख का जो हमने अपने आगे ही देखा। तो बहन जी ने कहा अगर मैं कोई आदेश करते तो समाज उसको फॉलो करता है, और मेरी वजह से अगर किसी के बच्चों में मुकदमे लगते हैं या कोई जेल जाता है या कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो वो समाज का बहुत बड़ा नुकसान है, और समाज का नुकसान मैं नहीं चाहती। बहुत सारी चीजें हमें मूवमेंट में काम करना है, है ना। और बहन जी ने कहा कि जैसे हमने लखनऊ में इतनी सारी स्मारकें बनाई हैं, नोएडा में प्रेरणा दलित प्रेरणा स्थल बनाए, अपनी जब सरकार आती है हम लोग अपने लोगों के लिए काम करते हैं, हमने काशीराम आवास योजना आपने देखा उत्तर प्रदेश में, और जो नोएडा है ग्रेटर नोएडा वो बहन जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, दुनिया में ही शायद कोई ऐसा शहर होगा, है ना, और किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा काम किया होगा। ये जो मनुवादी लोग हैं इनकी तो मीडिया दिखा देता, अखबार छाप देते हैं, लेकिन हमारी कोई मीडिया नहीं दिखाता, कोई अखबार नहीं छापता। तो बहन जी से जब मिला तो बहुत सारी शंकाएं थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, और मुझे ऐसा लगा कि इस बहुजन समाज का सही में अगर कोई आज पेरेंट्स की भूमिका में है जो इनको अपने बच्चों की तरह देखता है बहुजन समाज को, और उसी तरीके सोचता जब एक छोटा बच्चा बिलबिलाता तो उसकी माँ कैसे उसके लिए दूध लेके आती है, उसका बाप कैसे उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जब वो बच्चा बड़ा होता तो स्कूल में जाता तो उसके माँ बाप कैसे उसके लिए करते हैं। तो बहन जी एकमात्र ऐसी नेता है जो अपने समाज के लिए पेरेंट्स की भूमिका में आकर के काम करती है, और वो सब लोग हम लोग देख ही रहे हैं ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो गलत भ्रांतियां फैलाते हैं, है ना, हमें भी लोगों ने खूब भड़काया जब हम बहन जी से नहीं मिले थे, लेकिन हमने तो एक लक्ष्य बना रखा था कि बहन जी जो है ना साहब काशीराम की परछाई बन के, है ना, साहब काशीराम के सानिध्य में और जो साहब काशीराम के उत्तराधिकारी के रूप में, और आज समाज का जो नेतृत्व बहन जी कर रही है उसमें कभी कमी नहीं हो सकती। और मुझे, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, प्रश्न, एक व्यक्ति बता दीजिए आप मुझे पूरे संसार में जो बहन जी की तरह समाज के लिए दर्द रखता हो और जो नेता हो। दलाल समाज में बहुत घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे हम साहब काशीराम के चरणों में बैठ के सीखे हैं जी, ये है जी, फलाना है, डिकड़ा है। मैंने बहुत पुरानी पुरानी फोटोएं देखी है बहन जी की संघर्ष की, जब कुछ नहीं होता था, है ना, तब से बहन जी लगी हुई है, आज तक लगी रही है, है ना। तो भाई आप लोगों से अपील करता हूं मैं ये कि आप लोग गलत भ्रांतियों में ना जाएं। इस कांग्रेस को खत्म, कांग्रेस को बीजेपी ने खत्म नहीं किया, कांग्रेस को बहुजन समाज पार्टी ने खत्म किया है, क्योंकि मिशन हर दलित के हर बहुजन के घर घर तक पहुंचाने का काम साहब काशीराम के बाद
माननीय बहन जी ने उनके साथ से ही शुरू कर दिया था बचपन से ही, और आज भी बहन जी लगी हुई है। तो कांग्रेस खत्म हो गई है, अब हम लोगों को ये बीजेपी खत्म करनी है, और उसके लिए हमें सिर्फ वोट डालने का अधिकार जो है हमारा उस पर ध्यान रखना है, और अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके इस हिंद की शेरनी बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और जब बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये देश संविधान से चलेगा, और इस संविधान के दायरे में सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का नारा सफल होगा। आज हर आदमी परेशान है, तो आप लोगों से दोबारा अपील करता हूँ बहुजन समाज के लोगों से कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आए, जो भी वोट डालने जाए हमारी एक ही पार्टी है, एक ही झंडा है और एक ही नेता है बहन कुमारी मायावती जी, उससे आगे हमें नहीं सोचना है। दोस्तों आखिर में मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी बातों में जरा सी भी सच्चाई लगती है और आपको लगता है कि बहन जी इस देश की नेता है, ये संदेश जो मैं आपको दे रहा हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने कमेंट भी करें, चाहे आप नेगेटिव सोचते हो चाहे पॉजिटिव सोचते हो, अपने कमेंट जरूर करें इसमें, और इसको सब तक जो ना ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ताकि उन लोगों को मुंह पे तमाचा लग सके जो बहन जी के लिए गलत अफवाहें फैलाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।